प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो, आज है आपके वेक्टर का लेक्चर नंबर 12। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम आपके डिस्कस कर रहे थे जो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी जो आपके वेक्टर्स का सदिश गुणनफल होता है, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, अर्थात सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ज्योमेट्रिकली जो आपका वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है क्या प्रदर्शित करता है, तो इसको समझने के लिए देखिए, माना ए वेक्टर व बी वेक्टर यदि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हो, जैसे समझिए इसको, मान लीजिए आपके जो वेक्टर ए और बी है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ओ ए बी वो किसी पैरेललोग्राम की कोरिस्पोंडिंग साइड हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इसको एक पैरेललोग्राम अर्थात एक समांतर चतुर्भुज से कंप्लीट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने ये एक आपका पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज बना दिया, इतने बात क्लियर हो गई होगी। अब आप ये देखिए कि जो समांतर चतुर्भुज अर्थात आपका जो पैरेललोग्राम होता है स्टूडेंट, उसका एरिया क्या होता है, आपके पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट अर्थात आधार गुणा ऊंचाई, जिसका बेस क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हाइट कुछ ये नहीं हो जाएगी क्या, जिसे एक बार मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो साइन थीटा होगा, यदि ये एक राइट ट्राइंगल अर्थात एक समकोण त्रिभुज है, तो जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो यदि इसका जो परपेंडिकुलर था जो लंब है वो मैं एच लू, कर्ण यानी जो हाइपोटेनियस है वो यही, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड आएगा, और बी के मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, बी। तो यहां से मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा, हाँ या ना, कुछ ऐसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इतने बात क्लियर होगी होगी, कोई डाउट है। रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो समांतर चतुर्भुज जो आपका पैरेललोग्राम है उसका एरिया, उसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है बेस इंटू हाइट अर्थात आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका बेस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाइट हमें नहीं दी गई थी, तो हमने पता कि हमने क्या किया, बी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अर्थात एक लंब डाल दिया, तो जो हाइट एक बार मैंने एच मान ली, तो ये एक आपका समकोण त्रिभुज अर्थात राइट ट्राइंगल हो गया, और उसके अंदर साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी एच अपॉन बी, बी यहाँ पे बेस को डिनोट नहीं कर रहा, बी इस के मैग्नीट्यूड को लिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे एच की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। अब आप ये देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड और एन केप का मैग्नीट्यूड, ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। अब आप ये देखिए ए बी साइन थीटा एन केप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो ए बी साइन थीटा सही है। यहाँ पे यदि बी साइन थीटा को, बी साइन थीटा को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एच के इक्वल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, कोई डाउट है भाई, बी साइन थीटा हमारा एच के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू एच, और ए इंटू एच क्या है आपका, एरिया ऑफ ए
उत्तर ले लो ग्राम। बस समझ आई। जो बी एन टू एच के स्टूडेंट आपका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। तो जो आपका हमारा जो टॉपिक था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी जो अब आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो तो आपको जो ये ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जब आप दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा अर्थात जो उसका परिमाण होगा वो उन दोनों वेक्टर से जनरेट होने वाले एक पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज के एरिया यानी क्षेत्रफल को दर्शाएगा। कैसे आया तो वो आप देख लीजिए, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट अर्थात आधार गुणा ऊंचाई। बेस इसका है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाइट है वो इसकी है एच। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एच फाइंड आउट किया। ये एक जो राइट ट्रायंगल हो गया अर्थात समकोण त्रिभुज हो गया, साइन थीटा होगा आपका एच अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात लंब बटे कर्ण। तो एच की वैल्यू आ जाएगी बी, उधर ले जाओ बी साइन थीटा। तो फिर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, ए बी साइन थीटा, एन कैप होता है दोनों तरफ, हमने क्या कर दिया मैग्नीट्यूड कर दिया, तो कंप्लीट पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो ए बी साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हटा दिया है। किसी के माइंड में एक बात आई कि सर साइन थीटा क्या पता नेगेटिव हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटीज है भी साइन थीटा है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता था। लेकिन आप ये देखो ना कि जो मैंने ट्राइंगल लिया उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा 90 से लेस है, साइन थीटा आपका 90 से लेस वाला है तो वहां पे फिर सीधा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और एन केप, केप लगते ही उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में रखो ना रखो। अब मैंने क्या किया, यहां से बी साइन थीटा को अलग निकाल दिया, बी साइन थीटा को क्या निकाल दिया, अलग निकाल दिया। तो बी साइन थीटा को यदि अलग निकाल दूं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू एच बन गया, ए इंटू एच क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो अब बात आती है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जहां आपको दो वेक्टर दिए गए और ये दिया गया वो पैरेललोग्राम की साइड है इस तरीके की और उनके बीच का एंगल दिया हो या सीधा बोला हो, तो आपको ये बोल दिया जाए कि उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा अर्थात उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब सिंपल सा केस बन जाएगा कि ए क्रॉस बी पता करो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद उसका क्या निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। तो बताइए स्टूडेंट ये बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है, क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसी से रिलेटेड, एक और टॉपिक बना सकते हैं वो देखिए। इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी है कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पता करना हो तो क्या होगा, तो भी स्टूडेंट यही प्रोसेस रहेगी। देखिए ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, और इसको यदि मैं ऐसे मिला दूं और उनके बीच का जो एंगल है यदि वो थीटा ले लिया जाए, तो अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है मैंने ये लिखा था ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है ए बी साइन थीटा। ये सिद्ध किया अभी भी, यही प्रूव किया होगा बी साइन थीटा को मैंने, यदि मैं वही प्रोसेस एच इसके लिए फाइंड आउट करूं तो, यदि वही प्रोसेस एच इसके लिए फाइंड आउट करूं तो ए इंटू एच ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब मैं क्या करता हूं दोनों तरफ हाफ यानी 1/2 लगा देता हूं, तो आप देख लीजिए ये क्या बन गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया नहीं बन गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अर्थात 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार ए है ऊंचाई एच है, तो एक प्रोसेस और कवर हो गई होगी। तो यहां से दो रिजल्ट अभी तक हमने कैलकुलेट किए। नंबर एक, यदि आप दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करके कब जब वो एक ही
ट्रायंगल या पैरेललोग्राम की पास पास वाली इस टाइप की साइड को बताएं। उस कंडीशन में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उनसे बनने वाले पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज के एरिया यानी क्षेत्रफल को दर्शाएगा, और यदि 1/2 और लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी, दो फॉर्मूले कवर कर लिया। अब बारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी इससे रिलेटेड कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, स्पेशल केस है नंबर एक। इसके कुछ गुणधर्म या जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनको समझने की कोशिश की। नंबर एक, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट होगा, उस कंडीशन में उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको क्या रिजल्ट देगा, जीरो। ठीक है। सेकंड, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करने हो, आपको क्या करना हो, वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, पैरेलल यानी समांतर, कोलिनियर यानी संरेख। उस कंडीशन में आप याद रखोगे ए क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात याद रह जाएगी। भाई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको दो अलग अलग वेक्टर दे दूं, मैं एक पूछ लूं कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वो पैरेलल है यानी समांतर है, कोलिनियर है, संरेख है। संरेख का मतलब जानते हो, एक ही रेखा पर आने वाले, पैरेलल समांतर आप जानते हो। तो उस कंडीशन में आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यदि वो जीरो आ रहा है फिर जीरो वेक्टर होगा, ये डायरेक्टली जीरो नहीं बोला जाएगा इसको। उस कंडीशन में वो आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल या कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड रिजल्ट, जब आप वेक्टर का जिक्र कर रहे हो तो उस वहां पे डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस तो अपने आप हो जाती है, अभी वेक्टर है, सदिश है, तो उसमें दिशा, नाम में सदिश है, भाई नाम सदिश है तो दिशा की तो जरूरत होगी। उस कंडीशन में ए क्रॉस बी को यदि आप बी क्रॉस ए कर देते हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, याद रह जाएगी इतनी बात। जब भी ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नंबर फोर, ये बंटनता अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई करता है। ए क्रॉस बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। एसोसिएटिविटी दर्शाता है यानी साहचर्यता, इसको आप ऐसे लिख दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको आप यदि ऐसे लिखते हो तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, कांस्टेंट से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये भी एम ए क्रॉस बी है तो आप इसको ऐसे लिख दो एम ए क्रॉस बी, या ऐसे लिख दो ए क्रॉस एम बी, तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये चेंज नहीं होगा, वैल्यू एक ही रहेगी। इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी। तो बच्चों ये आप इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। नंबर वन, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इसको आप क्या लिखोगे, जीरो। जब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, रिजल्ट हमेशा जीरो, देखते ही जीरो। नंबर दो, जब पैरेलल या कोलिनियर हो, प्रूफ करना आ जाए, या तो दो कंडीशन है भाई, या तो आएंगे भी प्रूफ करो कि पैरेलल या कोलिनियर है, तब आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, यदि वो जीरो आता है तो रिजल्ट पैरेलल या कोलिनियर है, और यदि रिजल्ट जीरो है तो वो पैरेलल या कोलिनियर अपने आप हो जाएंगे। नंबर थर्ड, ए क्रॉस बी को यदि आप चेंज कर देते हो, बी क्रॉस ए कर देते हो, तो आगे क्या साइन लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अर्थात बंटनता का पालन करता है, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी को आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। थर्ड, एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता का पालन करता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मीनिंग क्या हो गया, पहले इन दोनों को सॉल्व करो,
फिर इसका मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो फिर इसका कर लो, बात एक ही है, ठीक है। और जो सिक्स्थ है इसकी प्रॉपर्टीज है एम ए क्रॉस बी, वो क्या रहेगी, एम ए क्रॉस बी, यानी पहले ए में एम का मल्टीप्लाई करके देखो तीन पर, कि नंबर एक पहले इन दोनों का क्रॉस कर लो फिर एम का मल्टीप्लाई करो, या पहले एम का ए में मल्टीप्लाई करके फिर बी के साथ क्रॉस करो, या एम का बी में मल्टीप्लाई करके ए के साथ क्रॉस करो, रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये प्रॉपर्टी आपको इसकी याद रखनी है, क्लियर है स्टूडेंट, एनी डाउट? तो आगे बढ़े हम, तो आगे देखिए, कर दूं साफ, देखिए फिर आगे। नेक्स्ट इसकी जो कुछ ट्रायंगल ये से रिलेटेड ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखिए, इसका ट्रायंगल जिसकी है कि एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या जानकारी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया कि ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल अर्थात कोई त्रिभुज है जिसकी ये जो साइड है वो ए, सॉरी जो ए का पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है, ठीक है। तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बस में सही मैं क्या पूछ रहा हूं कि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात जो ए बी और सी ये तीन आपके पास 3D में तीन पॉइंट हो, आप इन तीनों को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल अर्थात एक त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया क्या होगा, अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम उसी प्रोसेस पे आते हैं। यदि मान लो मैं ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं और ए बी और ए सी, तो जो एरिया का मैंने आज ही आपको फॉर्मूला बताया है, कुछ ऐसा बताया है या नहीं, कुछ ऐसा भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आगे क्या लग जाएगा, 1/2, वो भी मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के अंदर लगेगा। तो आगे देखिए ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी माइनस ए, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी माइनस ए, कोई डाउट है? अगर यदि आपको याद हो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए सी को क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पिक याद कीजिए, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, बी का सबसे पहले बी क्रॉस सी, फिर माइनस का बी क्रॉस ए, फिर माइनस का ए क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। बस समझ आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं होगा, रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से देखिए, बी क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस ए, ए क्रॉस सी और माइनस। पहले एक बार बच्चों इस पे ध्यान से फोकस करो, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आज अभी पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी थी कि ए क्रॉस ए हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसको मैं जीरो करूंगा तो इसको फिर यहां से हटा सकता हूं ना, तो मेरे पास जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 क्या जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी। इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से अरेंजमेंट कर देता हूं। अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होगा कि बी पहले इसको लिखता हूं, भाई मैंने आपको बताया था कि यदि वेक्टर को आगे पीछे कर दिया जाए मल्टीप्लीकेशन में तो उनके आगे क्या साइन लग जाता है, नेगेटिव, एक माइनस पहले और एक और आ गया तो माइनस माइनस प्लस। तो यदि मैं इसको ए क्रॉस बी रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, प्लस बी क्रॉस सी, और इसको चेंज कर दो प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास तीन पॉइंट देकर उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए।
याद रह जाएगा। नेक्स्ट इसका जो केस हम पढ़ेंगे, इसका एक केस बन सकता है, पहले इतनी बार समझ आ गई होगी, रिपीट कर देता हूँ कि भी यदि मान लिया मैंने ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जिससे दो वेक्टर इस तरीके से जा रही हैं, तो एक तो होगा ए बी और एक होगा ए सी, और वेक्टर बनाने का आपको बच्चों मेरा प्रोसेस बताया हुआ है, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और वो हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर एरिया के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी को बी माइनस ए और ए सी को सी माइनस ए, मल्टीप्लाई किया बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अब देख सकते हो ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो। इन तीनों को यहाँ लिख दिया, लेकिन एक सही सीक्वेंस में रखने के लिए ए बी सी का ऑर्डर तो याद भी रह जाएगा, तो पहले इसको कर दो ए क्रॉस बी, तो ये प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस, तो ए बी बी सी सी ए डायरेक्टली याद रह जाएगा ना, ए बी बी सी सी ए, ए बी यानी ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, और आगे क्या लगेगा, हाफ। इफ ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर होने का मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, संरेख हो जाए, तीनों भी पॉइंट क्या हो जाए, संरेख हो जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो देखो, ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। बच्चों देखो इसको पता करने के तरीके क्या क्या हैं वो देखिए आप, इसको पता करने के क्या क्या प्रोसेस होंगे, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, और ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। अब सबसे पहले आप ये देखो, जो मैंने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोलिनियर होते ही उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो जो ए बी और ए सी है वो एक ही कोली रेखा पर है या नहीं है, यानी कोलिनियर हो गए, यही तो हमने पीछे डिस्कस किया है, भी हमने अभी पीछे क्या पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे, संरेख कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो यहां से मैं डायरेक्टली एक बात तो लिख ही सकता हूं कि ए बी क्रॉस ए सी इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो। तो यानी बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, या इनका मल्टीप्लीकेशन मुझे ये रिजल्ट देगा। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ आ गई होगी, ये भी रिजल्ट बन सकता है। या आपको अब यदि याद हो तो हमने 13.1 के अंदर एक एग्जांपल किया था, तो जब ये कंडीशन आ जाए ना, तो आप माइंड में रखिए कि इनके वेक्टर के जो घटक हैं, यानी जो कंपोनेंट है, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर होगा तो उसको मैं किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उस बी वेक्टर को जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है 2i + 3j + 4k, ए वेक्टर क्या है 2i + 3j + 4a। अब यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 4i + 6j + 8k। इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देखोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करके देखोगे इन दोनों का तो क्या आएगा, जीरो, यानी ये कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आप देखो तो यदि एक वेक्टर को किसी संख्या से, किसी न्यूमेरिकली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यदि दूसरे में चेंज किया जा सके, तब वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, अर्थात संरेख होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया अभी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगती है, उसकी डायरेक्शन चेंज, क्लियर होगी बात। यानी यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेंगे तो कोलिनियर, यानी संरेख, लेकिन ये उसी के डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन यदि मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देता तो रहते कोलिनियर, संरेख रहते, लेकिन डायरेक्शन चेंज। एक तो जैसे ये है ए से बी पे आया और एक ए से सी पे आया, तो डायरेक्शन तो मेरी सेम ही रही है, लेकिन यदि मैं ए से बी पे आऊं
और फिर इस साइड ए से सी पे जाऊँ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आपके जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उनसे रिलेटेड सारी जो बेसिक जानकारी है वो कवर कर ली है, जिसके अंदर हमने इसको ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड थ्री पॉइंट वेक्टर हो अलग अलग, तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, उनकी कोलिनियरिटी क्या होगी और जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो बच्चों आज का आपका काम इतना ही रहेगा कि आप इन प्रॉपर्टीज को बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा इसके क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।